से महादेव नीचे उतर रहे हैं। एक कथा की बात, अहंकार शिव बुद्धि अज, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी हैं, अहंकार के देवता महादेव हैं। कैलाश अहंकार का प्रतीक है, ऊंचाई टापू। कथा यदि सुनना है तो अहंकार रूपी कैलाश से नीचे आना पड़ेगा, ये महादेव ने खुद बताया। दिल का हुजरा साफ कर, अरे जाना के आने के लिए, ध्यान औरों का हटा उसको टिकाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, फिर भी उसमें ज्यादा हविस, फिर ठिकाना है कहां उसको बिठाने के। सीट एक है, यदि अहंकार बैठ जाएगा तो फिर कथा कहां बैठेगी। पार्वती को साथ में लेकर नंदी में सवार होकर महादेव कैलाश से नीचे चलते हैं, कहां पहुंचे, अमरनाथ। जैसे अमरनाथ के सन्निकट पहुंचे, महादेव ने विचार किया कि ये नंदी साथ में है, गले में घंटी है, ये कथा में डिस्टर्ब करेगा, घंटी टुन टुन की आवाज होगी। महादेव ने नंदी को कहा, यहीं रुकना, मैं आता हूं। जिस जगह पर नंदी को अस्थाई किया उस जगह का नाम पड़ गया बैलगांव। आज उसे पहलगांव के नाम से जाना जाता है, उसका नाम बैलगांव है। वहां से आगे बढ़े महादेव तो कलकल निनाद करती हुई गंगा जटा में विराजमान थी। महादेव ने विचार किया, ये भी कथा में डिस्टर्ब करेगी। गंगा को जिस स्थान पर रखा उस स्थान का नाम पड़ गया पंचतरणी। जो लोग अमरनाथ गए होंगे, दृश्य सामने है। आगे बढ़े तो काले पीले हरे नीले आभूषण थे। महादेव ने कहा, ये भी कथा में डिस्टर्ब करेंगे, ज्यादा प्रसन्न होंगे ना। उतार के सबको एक जगह रख दिया, उस जगह का नाम पड़ गया शेषनाग। वहां से महादेव आगे बढ़े तो लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम, गजानन गोदी में थे। महादेव ने कहा, बेटा तो है, अच्छा भी लगता है, प्यारा भी लगता है, परंतु कथा में डिस्टर्ब करेगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। कथा समाधि का विषय है, कथा समाधि का विषय है। जब तक आप डूबोगे नहीं तो डूबो नहीं सकते हो। संसार में डूबोगे मर जाओगे, पर कथा में डूबने से तर जाएगा। डूबना पड़े। और महाराज शंकर जी ने विचार किया, गणेश जी को कहा, देख भाई तो यहां बैठ, अभी आते हैं। जिस स्थान पर गणेश जी को बिठाया उस स्थान का नाम पड़ गया गणेश टापू। जो अमरनाथ की गुफा के पास में ये, जहां गरम गरम जल मिलता है, 50 रुपया बाल्टी, नॉर्मल जल 50 रुपया बाल्टी रहता है, वो गरम है वहां का। वहां से आगे बढ़े, गुफा में प्रवेश करते हैं। यद्यपि वहां कोई जीव जंतु था ही नहीं, परंतु फिर भी महादेव ने डमरू का उद्घोष किया कि इस कथा को कोई अनाधिकारी ना सुन ले। पात्र के द्वारा वस्तु के गुण और दोष भिन्न भिन्न हो जाते हैं। अनाधिकारी कथा को सुन लेगा तो वो समाज में नाना प्रकार की विकृति पैदा करेगा। भगवान ने ऐसा किया तो हम, अरे तू कैसा कर रहा है, तुझे पता है भगवान ने क्यों किया, कैसे किया, कब किया, ये किस लिए किया, ये कारण कोई नहीं जानता, परमात्मा जानता है। पर परमात्मा की लीला में उंगली वही उठाता है अनाधिकारी, वही स्वाति की बूंद है, वही स्वाति की बूंद है। सीप पर पड़ती है तो मोती बनता है, जिसकी कीमत अनमोल है, कहां मिलता है, बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है।
बाजार में वो तो चल रही है दुकानदारी सबकी। सीप में पड़ता है तो मोती बनता है, वही स्वाति की बूंद केले के वृक्ष में पड़ती है तो कपूर का निर्माण होता है, वही स्वाति की बूंद यदि नाग के सर्प के मुख में पड़ती है तो पॉइजन बनता है। बूंद वही है पर पात्र के अनुसार गुण और भेद अलग अलग होते हैं, इसलिए कथा का पात्र होना बहुत जरूरी है। गूढ़ो तत्व न साधु दुरावहि आरत अधिकारी तहां पावहि। यद्यपि कार्पण्यता दोष है, गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को खबरदार कार्पण्य दोषोपहत स्वभावात्, पर भक्ति में कार्पण्यता शोभा है, भक्ति में कार्पण्यता शोभा है, क्योंकि जब तक हम कार्पण्य होकर के भगवान का यजन नहीं करेंगे तब तक वो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। छह प्रकार की जो शरणागति है उसमें कार्पण्यता को एक प्रकार की शरणागति बताया। आनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षस्तीत विश्वासो गोप्तित्वं वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य खड़विदा शरणागति। छह प्रकार की शरणागति में छठवें नंबर की शरणागति है कार्पण्यता। जो चार प्रकार के भगवान के भक्त हैं, ज्ञानी अर्थार्थी जिज्ञासु पर चौथे नंबर में आर्थ, ज्ञान हो जाए परंतु यदि आर्थ भाव नहीं है, आर्थ सबके साथ लगाए, जिज्ञासु के साथ भी अर्थार्थी के साथ भी और ज्ञानी के साथ, इसीलिए नित्य प्रति हम लोग आरती का आश्रय लेते हैं। आसमंतात रति सा आरती, भगवान आतत्राण है जो आर्त की रक्षा करते हैं। आतत्राण परायणो स भगवान नारायणो मे गति। और महाराज अनाधिकारी श्रवण न कर ले इसलिए डमरू का उद्घोष किया। कुछ लोग कहते हैं शंकर जी ने सोचा कि एक को अमर कर दिया रावण को तो मुसीबत बन गया, दूसरा कथा सुन लेगा अमर हो जाएगा। नो नो, महादेव तो वसुदेव कुटुंबकम सम करोति कल्याणम, तो शंकर है शिव है, कल्याण की मूर्ति है, कल्याण का स्वरूप है, वो ऐसा नहीं सोच सकते। उन्होंने इसलिए उद्घोष डमरू का उद्घोष किया कि अनाधिकारी ना श्रवण कर ले ताकि कथा की गरिमा बनी रहे। आज क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई पर क्वालिटी घट गई। महाराज और महाराज महादेव ने डमरू का उद्घोष किया, पहले तो कोई था नहीं, जो भी था सब पलायन कर गए। कथा प्रारंभ हुई, कथा में सोता हूं ज्यादा तो शांत बैठ के सुने, जब दो ही हूं तो एक जैसे कहानियां माताएं बहनें करती रहती, एक राजा था दूसरी कहती हूं, एक रानी थी उसके तीन बच्चे थे हूं, हुकारी की परंपरा। महादेव समाधि में कथा कहने लगे, पार्वती हुकारी बनने लगी, हुकारी इसलिए उपस्थिति यस सर क्योंकि सुनाने वाला समाधि में है, उसे पता चले कि मैं सुना रहा हूं तो कोई सुन रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि सुनने वाला गया सुनाने वाला सुनाया जा रहा है, इसलिए हुकारी की परंपरा। और महाराज पार्वती हुकारी दे रही थी, कथा शुरू हो गई। इतने पर वर्णन आता है
सुख सारिका जानकी जाए, सुख सारिका जानकी जाए, सुख सारिका जानकी जाए, सुख सारिका जानकी जाए। जानकी जी ने सोने के पिंजरे में पढ़ाया था, वही सुख साकेत से प्रभु लीलाकार सस्वादन करने के लिए वहां पर शुष्क अंडे की तरह गलित वहां से गिर गए। कथा का प्रभाव यह हुआ कि उस सूखे अंडे में प्राण संचरित हो गए, क्योंकि कथा ही ऐसी है जो मरे हुए को जिंदा कर देती है। कौन मरा हुआ है? 14 प्रकार के लोगों को मृत घोषित किया है गोस्वामी जी ने। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक यज्ञ खानी, जीवत सब सम 14 प्राण। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी से प्रश्नोत्तरी में जब प्रश्न किया के सवा पुरुषालोके, के सवा यानी संसार में 100 कौन है, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी मुस्कुराते हुए उत्तर दे रहे हैं, ऐसा हृदय न केशव, जिसके हृदय में केशव नहीं है वो 100 है। 100 में और शिव में एक इकार का अंतर है, शिव में और 100 में एक इकार का अंतर है, वो इकार ही ईश्वर तत्व है। जीव 100 है, कब तक? जब तक ईश्वर तत्व की प्राप्ति नहीं होती, वो इकार जब लग जाता है तो वो शिव हो जाता है। शिवो हम, पर कथा ऐसी है जो मरे हुए प्राणियों में प्राण संचरित कर। गोपियों ने यही तो बात कही, तब कथा मतम तात जीवन कभी मिलीतम कल सापम श्रवणे मंगलम श्रीमदा मृतम अमृतम तव कथा, मरे हुए को अमृतत्व प्रदान करती है आपकी कथा। मृत जीवनम अमृतम तव कथा, प्राण संचरित हो। पार्वती जी भाव जगत में लीला में प्रवेश कर गई। कथा चल रही थी, वर्णन आता है कि दसम स्कंद क्रास करते 11वें स्कंद में वेदांत की चर्चा आई, बड़े बड़े को नींद आ जाती है। पार्वती को नींद आ गई, परंतु विद्वान कहते नहीं नहीं पार्वती तो शुद्ध सतोगुण है, श्रद्धा है ना, श्रद्धा तो शुद्ध सतोगुण का प्रतीक है, तमोगुण के अंदर श्रद्धा नहीं होती। जहां शुद्ध सतोगुण है वहां नींद कैसे? नींद तो तमोगुण का प्रतीक है।
तो ब्रज के आचार्य कहते नहीं नहीं, जब दशम स्कंद की चर्चा चल रही थी और उस क्रम में जब महाराज की चर्चा आई तो पार्वती तन से तो बैठी रही, मन से वृंदावन चली गई। अब हुकारी कौन दे जब मन यहां है ही नहीं, हुकारी कौन दे। उस अंडे में प्राण संचरित हो गए, वो पार्वती के पास में गिरा था, वो हुकारी ही सुन रहा था, वो अपना रिपीट कर रहा था, महादेव कथा सुनाई जा रहा, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जैसे महादेव ने वो उद्घोष किया, पार्वती जी ने कहा जय जय, वो वाली कथा तो सुनाई नहीं। महादेव ने कहा बाबरी पूरी कथा सुना दी मैंने। पार्वती जी ने कहा मैंने तो नहीं सुनी। शंकर जी ने कहा तो किसने सुनी, वो तोता समझ रहा था कि कथा हो रही है, उसने कहा हम्म। शंकर जी ने कहा अरे कथा की चोरी, बोले हम्म। शंकर जी ने कहा चोरी की चोरी, ऊपर से सीना जोरी, उसने कहा हम्म। क्रोध और बढ़ गया और महादेव उसको मारने के लिए दौड़े त्रिशूल लेकर। वो सुख सावक वहां से चलता चलता बद्रिकाश्रम सरस्वती नदी के तट पर, जहाँ वेदव्यास जी का आश्रम था, उनके धर्मपत्नी केशों को सुखा रही थी, सुहाई आई और सुख सावक सूक्ष्म रूप से उनके अंदर प्रवेश कर गया। महादेव सामने त्रिशूल लेके खड़े हैं एकदम तांडव की स्थिति में। वेदव्यास जी ने कहा नमामि कीजिए। जब अमर कथा की चोरी कर ली तो वो अमर हो गया, मारोगे कैसे? और यदि आप विशेष पावर से यदि वीटो पावर का प्रयोग करोगे तो यदि मार भी दोगे तो जानते हो क्या होगा, अमर कथा की महिमा खत्म हो जाएगी। पर ध्यान दो, उसको मारने से पहले एक ब्राह्मण की पत्नी की हत्या करनी होगी, ब्रह्महत्या का दोष लगेगा, अमर कथा की महिमा खत्म हो जाएगी। बताओ क्या करना चाहोगे? तो महादेव के जीवन का जो सूत्र है उसको निकाला, कोई है सोई जो राम सिद्धि नहीं होती तब
तब सिद्धांत का पालन करते हैं। प्रयास करो, उसके बाद यत्ने कृते न सिद्धति कुवंत्र दोषा, फिर निरीक्षण करो। हम सीधे कह देते हैं भगवान की भी इच्छा नहीं है, जब होगी वही है सोई जो राम रचि राखा। हम लोग बोल देते हैं अर्जी हमारी नाथ मर्जी तुम्हारी, पर अर्जी को देख तो लो ठीक ठाक है कि नहीं। अर्जी ठीक होगी उसकी तो मर्जी है। महादेव वापस आ गए, इधर साल बीत गया, सुखदेव जी बाहर नहीं निकल रहे। वेदव्यास जी कहते बेटा बाहर आओ, सुखदेव जी अंदर से आवाज कर रहे हैं पिताजी मैं बाहर तब तक नहीं आऊंगा जब तक परमात्मा मायापति मुझसे वादा नहीं करेंगे। क्या वादा? बोले वादा ये करेंगे कि सुखदेव मेरी माया का तुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा तब निकलूंगा, नहीं निकला तो माया पकड़ लेगी। 12 वर्ष कलयुग में तो एक कल्प होता है 12 वर्ष का, कोई भी साधन 12 वर्ष तक जब कंटिन्यू चलता है वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए उन साधनों में 12 वर्ष का गृहस्थ जीवनों में कोई व्रत करता है उपवास करता है गृहस्थी में 12 वर्ष के बाद उद्यापन जरूर एक बार कर लो। पर कुछ लोग उद्यापन करते इसीलिए हैं कि ताकि दोबारा ना करना पड़े। लोग कहते हैं हमने तो एकादशी का उद्यापन कर लिया तो मुक्ति हो गई, उद्यापन करने के बाद फिर शुरू कर ले। यदि तेरे जीवन में व्रत नहीं होगा नियम नहीं होगा तो जीवन कैसा है? संसार से छुट्टी पानी है तो संसार का उद्यापन नहीं करता कोई। आज 12 वर्ष हो गए संसार में रहते रहते अब संसार को छोड़ो परमात्मा का स्मरण करो, ये काम कोई नहीं करता। भगवान के भजन का उद्यापन करके शांत बैठ जाते हैं। भगवान ने आश्वासन दिया सुखदेव मेरी माया का तुम पर ही नहीं, तुम जिस पर कृपा कर दोगे उस पर भी माया का प्रभाव नहीं होगा। 12 वर्ष तक सुखदेव जी पेट में थे पर मां को कभी कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि साधु वैसा चाहिए जो दुखे दुखावे ना, फूल पात छेड़े नहीं रहे बगीचे करणयो करकारो विभ्रदवासा कनक कवि संभय जयंती जमाला रंध्राण वेणु सदन सुदया पूर्णयन को पुरंदे वृंदारण्यम सुपरमणम प्राविशद गीत की। जैसे स्वरूप का वर्णन सुना सुखदेव ने समाधि खुली, फिर सुखदेव जी ने सोचा मैं तो बैरागी हूं मुझे तो दुनिया की सुंदरता से क्या लेना देना है, फिर बैठ गए। दूसरा श्लोक ब्रह्मचारियों ने उद्घोष किया जिसमें स्वभाव की चर्चा थी, अहो वकीयम अस्तन काल कूटम जिघांसया ततो कंबा दयालु शरणम ब्रजे। वो पूतना जो विष लगा करके वक्षस्थल में भगवान को मारने के लिए गई, भगवान ने उसे मां की गति प्रदान की। देखो माला चढ़ाने वाले को सब आशीर्वाद देते हैं पर पत्थर मारने वाले को भी जो आशीर्वाद दे उसे साधुता। कम्बा दयालु शरणम ब्रजेमो, ऐसा कृपालु दयालु कौन है जो विष पिलाने वाले को भी मां की गति प्रदान। प्रश्न ये उठा जब विष पिलाने वाले पूतना को भगवान ने मां की गति दे दी तो यशोदा का क्या होगा, उसे क्या देंगे? ध्यान से सुने, जो गोदी में भगवान को खिलाता है,
जो भगवान से प्रेम करता है, दोष करने वाले को गति देते हैं, परंतु जो भगवान का को प्रेम से भजता है, भगवान उसको कुछ देते नहीं हैं, भगवान उसके खुद हो जाते हैं, भगवान उसके खुद हो जाते हैं। तो बताओ फायदे वाला कौन है? जिसके भगवान हो गए, जब भगवान हो गए तो भगवान का सब कुछ हमारा। जब पूतना की कहानी सुखदेव के कान में पड़ी, समाधि खुल गई, ब्रह्मचारियों के पास में आए, कहा क्या सुना रहे हो, कौन क्या है ये? बोले श्लोक है। किसके श्लोक है? बोले पुण्य श्लोक के श्लोक। कौन है पुण्य श्लोक? पुण्य श्लोक नलो राजा, पुण्य श्लोक युधिष्ठिर, पुण्य श्लोक वैदेही, पुण्य श्लोक जनार्दन। ये पुण्य श्लोक के श्लोक हैं। कहां से प्राप्त किया? बोले हमारे गुरुजी के पास 18,000 हैं। और सुखदेव जी चल पड़े। सुखदेव जैसा परमहंस भागवत के ये दो ही श्लोक सुनकर के और जंगल से शहर की ओर निकल पड़ता है। ऐसे बीत रहा है। आए वेदव्यास जी के चरणों में प्रणाम किया, वेदव्यास जी के चरणों में प्रणाम किया, बाबा पिताश्री, पुत्र होने के नाते नहीं, पात्र होने के नाते मुझे भागवत का प्रसाद दे दो। वेदव्यास जी ने कहा, बेटा तेरी पात्रता में कोई संदेह नहीं है, पर तेरी पात्रता सारा संसार जान जाए, ये भागवत वैष्णव ग्रंथ है। वैष्णवानाम धनम, इसलिए तुम जनक के यहां जाओ, वैष्णवता की मोहर लेकर के आओ। सुखदेव जैसे परमहंस जनक जी के सभा में जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, भागवत का प्रसाद प्रदान किया और वही सुखदेव ने परिचित को कथा सुनाई और परिचित जी के साथ सुखदेव जी का जो दिव्य समागम हुआ।